फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता लेके आई हूँ, जो कि आप छोटी मोटी भूख में भी खाकर एंजॉय कर सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी भी है। तो जब कभी आपको भूख लग रही है और कुछ आपको स्पेशल खाने का मन कर रहा है, तब आप इसको बना के ट्राई करिएगा। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है। बोल में हाफ कप मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। बेसन में कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे अनियन ऐड किया है मैंने चॉप करके बारीक बारीक, टमाटर को ऐड किया है, कैप्सिकम को बारीक बारीक, जो भी सब्जियाँ हमें ऐड करनी है सभी को बारीक बारीक चॉप करना है। और यहाँ पे मैंने कुछ कैरेट को लिया है। आप यहाँ पे बीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पे इवन पालक का भी यूज़ कर सकते हैं बारीक चॉप करके। तो बस इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से इसमें डाला है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है हाफ स्पून, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालना यहाँ पे पूरी तरीके से ऑप्शनल है, सिर्फ कलर अच्छा आ जाए इसलिए मैंने डाला है। 1 स्पून छोटी स्पून से डालना है सारे मसाले। 1 स्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। पिंच भर हींग डाली है, बेसन है ना इसलिए हींग डालना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने रेड चिली ली है, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो चिली को स्किप कर दीजिएगा। और आप यहाँ पे हरी जो हरी मिर्च होती है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सीजर की हेल्प से इसको पतला पतला कट कर लिया है। और 1/2 स्पून यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाला है, इससे कलर अच्छा आएगा। तो जो भी आपको ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं खाते हैं वो यहाँ पर आप स्किप कर दीजिएगा, तभी बच्चे खाएंगे। और टेस्ट के अनुसार यहाँ पे हम नमक ऐड कर देंगे। नमक डाल के हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि मैं मिक्स कर रही हूँ। और ये नाश्ता सच में बहुत टेस्टी होता है, क्रंच जो सब्जियों का आता है बहुत अच्छा लगता है। तो बस पानी डाल डाल के हमें इसको एक घोल बना लेना है। तो जिस तरीके से, मैं बहुत ज़्यादा पतला मत करिएगा घोल को फ्रेंड्स, क्योंकि इस नाश्ते में ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं अच्छा लगता है। जैसे हम चीले का बनाते हैं ना घोल, बस वैसा ही घोल बना के हमें रेडी करना है। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस इस तरह की होनी चाहिए। 10 मिनट के लिए इस घोल को हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए। टेन मिनट बाद हम इसको फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ले लेंगे यहाँ पे पैन, तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक तवा लिया है और इसमें थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल डाल के। हल्का सा ग्रीस करना, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती इस नाश्ते में फ्रेंड्स। तो बस हमने इसको अच्छे से ग्रीस लिया है। अब लेंगे यहाँ पे ब्रेड, तो ब्रेड आप यहाँ पे ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, आटा ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप वो यूज़ करिएगा। मैंने व्हाइट ब्रेड का यूज़ किया है। और इसको अच्छे से हमें इस जो घोल है ना इसमें डिप कर देना है, सारी वेजिटेबल्स अच्छे से लग जाएं। स्पून की हेल्प से आप लगा दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना है आपको यहाँ पे ब्रेड को उसमें बहुत देर के लिए नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये सौगी ज़्यादा हो जाएगी। और इसका कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो मैंने तवे के ऊपर रख दिया, तवा हल्का सा गर्म ही होना था, बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है तवे को। और ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से क्या है, क्रंच अच्छा आएगा। नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस इसको हमें 1-2 मिनट के लिए, पहले तो एक साइड में हमें 2 मिनट के लिए कम से कम पका लेना है स्लो फ्लेम पे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्लेम स्लो रखिएगा और दूसरी साइड पे हमें 1 मिनट के लिए पका लेना है। बस आपको लगता है कि हाँ इसमें अच्छे से जो गोल्डन कलर आ गया ना, बस इतना ही हमें इसे रोस्ट करना है और बस इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सेकेंड भी हम ब्रेड बनाकर रेडी करेंगे। तो ये देखिए मैंने सेकेंड ब्रेड भी डाल लिया है। ध्यान बस यही रखना है, ब्रेड को ज़्यादा देर के लिए हमें घोल में नहीं छोड़ना है। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अलट पलट के इसमें गोल्डन कलर आने तक हमें इसे सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है। इसे आप टमाटो सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ सर्व करिएगा, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है क्योंकि चटपटा होता है ना, तो बच्चों से बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगा। और बन बहुत जल्दी जाता है, तो कभी कभी तो हमारा मन होता है ना कि हमें वही कुछ बनाने का नहीं मन कर रहा है और खाने का अच्छा मन कर रहा है, तब ये उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट है अंदर से। और इसको आप चटनी के साथ खाइए या चाय, गर्मा गर्म चाय रखिएगा साथ में, बहुत अच्छा लगेगा। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, फटाफट से फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पास ही लगा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। मिलती हूँ एक नई और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।